जय हिंद दोस्तों। तो आज हम देखेंगे हमारा यूनिट नंबर 3 जो रूरल डेवलपमेंट है, पंचायती राज एंड रूरल डेवलपमेंट के बारे में आज हम बात करेंगे दोस्तों। तो पंचायती राज और रूरल डेवलपमेंट में हम बात करेंगे दोस्तों पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का। पंचायती PR मतलब है हमारा पंचायती राज, I4 है इंस्टीट्यूशन। तो पंचायती राज पहले है क्या? ये एक प्रकार का हमारा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडी है दोस्तों। कि ये क्या है? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडी है जो कि विलेजर में, जो कि रूरल सेक्टर में क्या होता है हमारा, ये रन होता है दोस्तों। जो भी हमारे पंचायत होते हैं, जो भी हमारे प्रधान होते हैं, इसी इसी के थ्रू हमारे नियुक्त होते हैं, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है। और जो पंचायती राज दोस्तों इंस्टीट्यूशन है वो, उसके हमारे टोटल कितने मेंबर, उसके हमारे 5 काउंसिलिंग के मेंबर होते हैं, काउंसिलिंग ऑफ 5 ऑफिशियल मेंबर होते हैं जो कि हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के दोस्तों मेंबर होते हैं। और ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी दोस्तों मेंशन है, पार्ट 11 में, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है दोस्तों। और ये हमारा स्टेट हो गया, यूनियन टेरिटरीज हो गया, हर एक गांव में, हर एक विलेज में हमारा क्या है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन हमारा क्या है, इस्टेब्लिश है। और दोस्तों ये 3 लेवल पे है हमारा। पहला जो हमारा लेवल क्या है वो ग्राम पंचायत हमारा एक हो गया विलेज लेवल पे, जो कि ग्राम के लेवल पे, ग्राम मतलब क्या होता है दोस्तों, विलेज होता है। तो विलेज लेवल पे जो हमारे क्या है, जो हमारे गांव लेवल पे जो भी हमारा मेन आदमी होता है, जो कि गवर्नमेंट से हमारा कांटेक्ट करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्राम पंचायत, जो कि हमारा विलेज लेवल। फिर उसके बाद आता है पंचायत समिति। अब इसमें कौन होता है, इसमें जो ब्लॉक लेवल पे, जो हमारे तालुका लेवल पे या मंडल लेवल पे कह सकते हैं, इसको हम तालुका या मंडल लेवल पे हम कह सकते हैं कि जो भी हमारी गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट बॉडी बैठी हुई है वो हमारा पंचायत समिति के अंदर आता है। फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारा आता है दोस्तों जिला परिषद, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, कि डिस्ट्रिक्ट मंडल जिसे हम बोलते हैं, मंडल परिषद भी बोलते हैं, जिला परिषद भी बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ये हमारा दोस्तों ये सब जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का होता है ये हमारे हर स्टेट में होता है, जितने भी स्टेट हैं हर स्टेट में इनका फंक्शन होता है। और दोस्तों एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि ये हमारा इलेक्टेड बॉडी है जिस जो जनता द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, और जिला परिषद भी हमारे क्या है, इलेक्टेड बॉडी है दोस्तों। और ये हमारा इंटरमीडिएट है कि ये हमको हमारा क्या, जो हमारा कम्युनिकेशन होता है स्टेट के, हमारा जो स्टेट और या डिस्ट्रिक्ट का ग्राम विलेज के थ्रू, वो हम क्या कराता है, ये आपस में इसको कोरिलेट कराता है दोस्तों। क्या पंचायती जो पंचायत हमारी समिति होती है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं फिगर भी, सबसे नीचे लेवल पे हमारा कौन सा होता है, ग्राम पंचायत होता है विलेज लेवल पे, फिर पंचायत समिति होती है जो ब्लॉक लेवल पे, फिर जिला परिषद होता है जो कि हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। पंचायत समिति दोस्तों हम बताएं आपको कि जो ब्लॉक लेवल पे होता है, जो तहसील लेवल पे, तालुका लेवल पे होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, पंचायत समिति दोस्तों बोलते हैं। ये हर एक ये वर्क कर जो पंचायत समिति होता है ये विलेज के लिए वर्क करता है एज ए तहसील, वो कि तहसील में कई सारे विलेज आते हैं, अपनी अपनी समस्याएं बताते हैं, और वहाँ से ब्लॉक क्या करता है, उसे कंप्लीट करता है। इसे हम डेवलपमेंट ब्लॉक भी कहते हैं, जब आपस में कई सारे विलेज आते हैं एक ही जगह आके अपना समिति एक बनाते हैं, एक मीटिंग करते हैं, उसी को हम बोलते हैं डेवलपमेंटल ब्लॉक, जिसे हम पंचायत ऑफ पंचायत भी बोलते हैं, क्योंकि कई सारे गांव के पंचायत जो होते हैं वो आते हैं कहाँ, हमारे ब्लॉक में आते हैं और डिस्कस करते हैं दोस्तों। और ये जो पंचायत समिति है हमारे 73 कॉन्स्टिट्यूशन में भी डिफाइन किया गया है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को, कि जहाँ पे हमारा ये सारा लेवल होगा, एक तो नो लेवल जो विलेज लेवल पे, इंटरमीडिएट लेवल पंचायत समिति, वेस्ट लेवल जो कि हमारा जिला लेवल पे होगा दोस्तों। और जो पंचायत समिति आपको बताए थे कि इंटरमीडिएट किसके बीच में, ग्राम पंचायत और जिला परिषद यानी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के, जैसे कि हमको नेम से पता चल रहा है कि ये हमारा मंडल परिषद कैसे यहाँ पे कई, जैसे इसका जो जिला परिषद हम यहाँ पे अपने डिस्ट्रिक्ट में बोलते हैं चंदौली, जैसे जैसे उत्तर प्रदेश में, तो ऐसे कई जगह इसका अलग अलग नेम है। जैसे आंध्र प्रदेश में दोस्तों यहाँ मंडल परिषद बोला जाता है, गुजरात में तालुका पंचायत बोला जाता है, वैसे ही कर्नाटका में मंडल पंचायत, केरला में ब्लॉक पंचायत, तमिलनाडु में पंचायत यूनियन, मध्य प्रदेश में जनपद पंचायत और अंचालिक पंचायत आसाम में, तो ऐसे कई सारे इसके नेम है, लेकिन जो इसका रोल है दोस्तों वो सेम है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये क्या करता है, ऑथराइज्ड करता है कि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, जो कि हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का एक महत्वपूर्ण बॉडी है दोस्तों।
यहाँ पर और कुछ पॉइंट आप देख सकते हैं कि जो तालुका पंचायत होता है वो उसके कई सारे जैसे एरिया होते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, उसमें मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, फिर उसमें पार्लियामेंट, कई सारे लोग क्या बैठे होते हैं इसमें, हर हर तरीके के लोग बैठे हैं, SC हो गए या ST हो गए या ओमेन हो गए, हर तरीके के लोग क्या होते हैं उसमें बैठे रहते हैं, अपनी अपनी जो भी उनको समस्याएं रहती हैं उसको अपने सामने पेश करते हैं। और दोस्तों इनका जो टेन्योर होता है 5 साल का होता है, जो कि इलेक्टेड गवर्नमेंट बॉडी है दोस्तों। अब उसके बाद हम बात करेंगे इमर्जेंस एंड ग्रोथ ऑफ PRI, कैसे हमारा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का ग्रोथ हुआ दोस्तों, उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि हमको पता है दोस्तों कि जो हमारा इंडियन विलेज है, इंडियन विलेज के पास दोनों है, एग्जीक्यूटिव हमको करना है, मतलब कोई भी हमारे अंदर कुछ भी हमको नया सॉल्यूशन करना है, किसी भी समस्या का सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो उसके लिए एग्जीक्यूटिव भी करना होगा और जुडिशियल पावर भी हमारे पास होना चाहिए। अब इन दोनों को हैंडल करने के लिए कई सारे डिस्प्यूट हो रहे थे आपस में, कई सारे विलेज एरिया में आपस में ही क्या होते थे, कन्फ्लिक्ट हो रहे थे, उसके वजह से हम क्या किए, हमारा कहीं ना कहीं एक हमारा महत्वपूर्ण ओपिनियन आया जो कि गांधी जी दिए, इन गांधी जी द्वारा इम्पावरमेंट है कि हमको पंचायत बनाना होगा रूरल डेवलपमेंट करने के लिए, कि हमको पंचायत का कहीं ना कहीं हमको एक इंस्टीट्यूशनलाइज वे में हमको करना होगा, कि जो हमको ये हर एक इंडिया में हर जगह ये कॉमन रहे। तो इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 4 में भी प्रोविजन ऑफ पंचायत मेंशन किया गया है दोस्तों, कि हमारे जो हर गांव में क्या हो, एक रूरल लेवल पे हमारे पंचायत होगी। आर्टिकल 40 में दोस्तों मेंशन है पार्ट 4 में क्या, कन्फर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट टू टेक स्टेप टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एंड इंडोज विद देम द पावर एंड अथॉरिटी टू इनेबल देम फंक्शन एज अ यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट दोस्तों, कि हमको जो स्टेट के पास स्टेट को स्टेट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि विलेज पंचायत का वो संरचना करे और उसको पावर और अथॉरिटी दे, उसके को पावर एंड अथॉरिटी दे कि उसके जो भी फंक्शन है, जो भी उसके कार्य है, उसको एक सेल्फ गवर्नमेंट बॉडी के थ्रू, अपने गवर्नमेंट के, अब जो जो उसको काम करना है उसको अपने थ्रू क्या करे, करवा सके। लेकिन बात दोस्तों यही होता है कि ये सब गाइडलाइंस केवल दी जाती हैं, लेकिन ये ऑर्गेनाइज अधिकतर नहीं हो पाती है हमारे विलेज लेवल पे दोस्तों। तो इसलिए क्या से इसलिए कई सारे कमेटी हम बनाया गया पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए। पहला जो कमेटी था हमारा क्या था, बलवंत राय कमेटी, बलवंत राय मेहता का कमेटी था दोस्तों। इस कमेटी में, बलवंत राय कमेटी में हमारा क्या हुआ, ये पहला कमेटी था जो कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लिए बनाया गया था 1957 में। ये इसके लिए किसके लिए रिपोर्ट मांगा था दोस्तों, ये रिपोर्ट मांगा था कैसे हमको कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट करना होगा कि जिससे हमारा गांव जो है वो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइज और रूरल डेवलपमेंट की तरफ क्या करे, उसका जो सुझाव है कि हमको कैसे रूरल को डेवलप करना है, फिर से हमको डिसेंट्रलाइज पावर, डिसेंट्रलाइज मतलब पावर क्या है दोस्तों, रूलर एक बेसिक लेवल पे गांव को ताकत अपनी पावर दिया जाए कि वो कोई भी एग्जीक्यूटिव बॉडी अपने गांव में इंप्लीमेंट इजीली कर सके। इसलिए जो हमारे BR जो बलवंत राय मेहता कमेटी है, इसलिए वो फोकस किया था रूलर रिकंस्ट्रक्शन के ऊपर दोस्तों, कि हमको रूलर रिकंस्ट्रक्ट करना है, हमको दोबारा से रूलर को अच्छे लेवल पे उसको बनाना है। उसके फंडा उस उन्होंने क्या दिया था, 5 फंडामेंट दोस्तों प्रिंसिपल दिया था बलवंत राय कमेटी ने, हमारे बलवंत राय कमेटी ने क्या दिया था, 5 फंडामेंटल पॉइंट का प्रिंसिपल दिया था। पहला बताया था कि 3 टायर स्ट्रक्चर होना चाहिए, जैसा कि हमने देखा जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडी का हमारा 3 टायर होना चाहिए जो कि आपने यहाँ पे देख चुके हैं। फिर उसके बाद बोले कि पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है वो किसको दिया जाए, वो हमारे जो गांव को एक बेसिक लेवल पे उनको प्रोवाइड करें कि वो अपने रिसोर्सेज, जो वहां पे रिसोर्सेज हैं उसको एडिक्वेट तरीके से यूज कर सके और उसको भी ट्रांसफर भी कर सके दोस्तों। और उसके साथ साथ एक और पॉइंट दिया था कि जो भी हमारा वेलफेयर हो, जो भी हमारा डेवलपमेंट गांव के लेवल पे हो, उस सारे स्कीम का फायदा गांव तक पहुंचना चाहिए। हर एक पॉइंट जो भी हम वहां पे जो हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन
ट्रांसपोर्टेशन गांव लेवल पे काफी हद तक जरूरी है। उन्होंने तीन टायर, जैसे तीन टायर वाला फैसिलिटी आपको बताए थे, ग्राम पंचायत, ग्राम सब पंचायत समिति और जिला परिषद वाला, उसको क्या करें, उसको पावर को डिवोल्यूशन करें यानी और डिस्पोजल करें कि हम फ्यूचर में पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हम विलेज को लेवल पे देंगे, तभी जाके हमारा जो विलेज है वो डेवलप हो पाएगा। उसके बाद कई सारे और रिकमेंडेशन दिए थे दोस्तों इसमें, जो पहली बार ये कमेटी जब रिकमेंडेड, ये ऐसी कमेटी है पहली बार जो कि दो वुमेन को क्या करें, दो वुमेन को भी नियुक्त करें, जो हमारे वुमेन भी है उनको क्या करें, वुमेन को भी उसमें नियुक्त करें, वुमेन को एम्पावरमेंट करें। इसलिए क्या कि जो हमारे गांव के बच्चे और जो औरतें हैं उनको भी हम कहीं ना कहीं उनका डेवलपमेंट करें दोस्तों। और ये हमारा जो बलवंत राव मेहता का कमेटी इफेक्टिव में कब आया था, 1957 के एक साल बाद आया था, 1958 में 1 अप्रैल वाले दिन ये इफेक्टिव हुआ था। और पहला जो स्टेट है दोस्तों वो कौन सा है, राजस्थान है, जो कि 2 अक्टूबर गांधी जी के जो जन्मदिन के दिन ही वो क्या किए थे, अपने इस इम्प्लीमेंटेशन, जो भी हमारा बलवंत राय कमेटी का जो रिकमेंडेशन था उसको दोस्तों माने गए, माना गया था। फिर उसके बाद क्या हुआ, जैसे कि हमने देखा कि पहले ऐसे से कई सारे कमेटियां हैं, पहले बलवंत राय मेहता कमेटी आया 1957 में, तीन टायर इस सिस्टम का उन्होंने बात किया, राजस्थान ने पहली बार किया। और बलवंत राय मेहता का मेनली क्या था कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन करना है, कि हमको गांव के लेवल पे गांव को हमको उतना ताकत प्रोवाइड करना है कि हमारा जो गांव के लेवल पे डेवलपमेंट हो सके, और हमको गांव को क्या करना है, इम्पावरमेंट करना है। लेकिन उसके बाद भी दोस्तों कई सारे कमेटी बैठे हैं, उसके बाद जो कमेटी आया वो अशोक मेहता कमेटी है। अशोक मेहता कमेटी दोस्तों 1977 दिसंबर में उसका फॉर्मेशन हुआ, और ये रिपोर्ट हमारा सबमिट की 1978 में, ये रिपोर्ट सबमिट की, और इसका जो रिकमेंडेशन था कि हमको पंचायती राज इंसी सिस्टम को और स्ट्रेंदन करना होगा। उन्होंने उस समय दो दो टायर सिस्टम का बताए थे, वो बता रहे थे कि ये जो बलवंत राय मेहता द्वारा ठीक है तीन टायर, लेकिन हमारे हिसाब से ये थ्री टायर कम सिस्टम होना, टू टायर सिस्टम होना चाहिए, पहला क्या पंचायत लेवल पे और स्टेट लेवल काउंसिल मिनिस्टर पे। बस इन्होंने क्या किया, दो हमारे इसमें क्या बताए, दो पॉइंट बताए कि हमको पंचायती राज सिस्टम में स्ट्रेंथन करना है, किसके थ्रू करना है, हमको अपना जो भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है दोस्तों उसको हमको क्या करना है, टू टायर सिस्टम करना है, पहला पंचायती सिस्टम और स्टेट काउंसिल सिस्टम दोस्तों। फिर इसके बाद कई और कमेटियां हैं, जैसे जीवी की राव कमेटी आई, जो कि 1985 में दोस्तों क्या बनी बनी थी, 1985 में कमेटी फॉर्म हुई थी। इसका भी यही मोटो था दोस्तों कि हमारा जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है उसको स्ट्रेंदन किया जाए, उसको और स्टेंडर्ड किया जाए। फिर ऐसे कई सारे कमेटी, हमारे एलएम सिंघवी जो सिंघवी कमेटी भी आया, जो कि 1986 में हमारा ये फॉर्म हुआ था दोस्तों। और ये हमारा पहला, ये ऐसा था जो कि पहला जो हमारा ये जो ऐसा कमेटी था जो कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का फॉर्मेशन कराना चाहता था, कि वो एक इंस्टीट्यूलाइज करे, इसको कॉन्स्टिट्यूलाइज करे। कॉन्स्टिट्यूलाइज मतलब कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन वाले बुक में इसको एक दर्जा दिया जाए, इसको एक जगह दिया जाए कि हमारा ये जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है हमारे इसमें किस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बुक में इसको आए, तभी जाके हमको कहीं ना कहीं और इसको स्ट्रेंथन कर पाएंगे। इसलिए एलएम सिंघवी कमेटी एक पहली ऐसी कमेटी है जो कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को हमको कॉन्स्टिट्यूशनलाइज करना चाहती थी। ये इन्होंने बिल ही इंट्रोड्यूस किया था लोकसभा में, राजीव गांधी का उसमें सरकार था जुलाई 1989 में। लेकिन उस समय क्या हुआ कि ये बिल हमारा राज्यसभा में पास नहीं हो पाया दोस्तों। लेकिन फिर उसके बाद जब हमारा ये बिल पास नहीं हो पाया एलएम सिंघवी में, तो उसके बाद हमारा बिल कहाँ, फिर उसके बाद सरकार जो आई पीवी नरसिम्हा राव कमेटी 1991 में, हमारा पीवी नरसिम्हा राव का सरकार आया, उसमें ये बिल हमारा लोकसभा से 1991 में क्या हुआ, पास हुआ। और पास होते ही हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशनलाइज हो गया जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत 1992 के तहत ये हमारा 1993 में अप्रैल में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गया, और ये हमारा जो भी उसका काम था वो हमारा करने लगा। दोस्तों ये क्या था, हमारा ये ओवरऑल एनालिसिस था कि कैसे पहले बलवंत राय कमेटी आता है 1957 में, वो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में बात करता है। फिर उन्होंने तीन टायर सिस्टम भी बात किया था दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते थे। फिर उसके बाद क्या देखें,
फिर उसके बाद और कमेटी में कुछ और पॉइंट ऐड ऑन करने के लिए अशोक मेहता कमेटी बनाया गया, जो कि 1977 में हमारा बनाया गया था। ये बताया गया था कि इसको इन्होंने टू टायर सिस्टम वाला रिकमेंडेशन दिया था, जो कि हमारे अशोक मेहता। फिर उसके बाद 1985 में हमारे जीवीके राव कमेटी बने गए, जो कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को और स्ट्रेंथन करने की बात करते हैं। फिर उसके बाद हमारे एलएम सिंघवी कमेटी, जो कि राजीव गांधी के सरकार में आया था। इस समय हमारा जो मेन मोटो था क्या, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को हम कॉन्स्टिट्यूशनलाइज कर दें, मतलब उसको संविधान में उसको जगह दे दें। लेकिन ये बिल हमारा लोकसभा में तो पास हो गया, इंट्रोड्यूस कर दिया गया, लेकिन ये राज्यसभा में हमारा बिल पास नहीं हुआ। फिर जो हमारा पीवी नरसिम्हा राव का जो गवर्नमेंट आया, फिर उसमें क्या हुआ, बिल हमारा लोकसभा में पास हुआ। फिर जाके 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत जो हमारा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है दोस्तों, वो अप्रैल 1993 से हमारा फोर्स में आ गया दोस्तों। तो ये सीरीज आप याद रखेंगे दोस्तों, कैसे सीरीज है हमारा, कि पहले 1957 में हमारा कौन सा कमेटी, बलवंत राय कमेटी, जो बलवंत राय मेहता कमेटी आया। फिर उसके बाद हमारा अशोक मेहता कमेटी आया, अशोक मेहता कमेटी हमारा आया। फिर उसके बाद और कौन सा हमारा कमेटी आया दोस्तों, आप बताइए, सोचिए तुरंत। फिर उसके बाद हमारा आया जीवीके रॉय कमेटी, किसमें हमारा ये आया था, 1985 में, किसका, जीवीके राव कमेटी। फिर उसके बाद हमारा कमेटी फॉर्म हुआ एलएम सिंघवी का 1986 में, एलएम सिंघवी। फिर उसके बाद हमारा 1986 के बाद, सॉरी दोस्तों इसको थोड़ा, 1986 के बाद हमारा कमेटी एक बना पीवी नरसिम्हा राव में, पीवी नरसिम्हा राव 1991 में इसको बिल को हमारा कॉन्स्टिट्यूशनलाइज कर दिए थे दोस्तों। तो ये आपको फ्लो याद होना चाहिए दोस्तों, कि हमारा 1957 से ये स्ट्रगल चले आ रहा है। उन्होंने टोटल 1, 2, 3, 4 चार कमेटी दोस्तों बना। फिर उसके बाद हमारा नरसिम्हा राव का फाइनल कमेटी आया, जो कि हमारा पीआरआई, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को लीगलाइज करते हैं दोस्तों। अब कुछ इसके बारे में कुछ और डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं दोस्तों। अशोक मेहता कमेटी, आपको पता है कि उन्होंने भी रिकमेंडेशन किया था। अशोक मेहता कमेटी हमारा फॉर्म हुआ था दिसंबर 1977 में, उसमें जनता गवर्नमेंट की सरकार थी। उन्होंने कम पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का कमेटी, उसके लिए एक कमेटी बनाया, जिसके चेयरमैन अशोक मेहता कमेटी, अशोक मेहता ही थे। और उन्होंने अगस्त 1978 में क्या रखा, अपने रिपोर्ट को सबमिट किया, और उन्होंने 132 रिकमेंडेशन किया दोस्तों। टोटल कितना, 132 रिकमेंडेशन किया। उन्होंने मेन रिकमेंडेशन क्या था, वो पहले बता रहे थे कि बलवंत राय मेहता कमेटी में हमारा तीन टायर सिस्टम था, लेकिन उसको उन्होंने कन्वर्ट करके टू टायर सिस्टम ला दिया। टू टायर सिस्टम में क्या लाया, एक तो जिला परिषद ला दिए और दूसरा मंडल पंचायत ला दिए। और जिला परिषद यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और मंडल पंचायत मतलब कई सारे विलेज, जो जो कि अधिकतर जो विलेज 15,000 से 2,000 वाले विलेज हो, उनका हम कई लेवल पे विलेज बनाए। ये टू टायर सिस्टम लाना चाहते थे कौन, अशोक मेहता कमेटी। फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि डिस्ट्रिक्ट को पहले हमको क्या करना होगा, डिसेंट्रलाइजेशन करना होगा, कि जो भी हम को जो भी हमारे अंदर रूल रेगुलेशन, जो भी हम स्कीम ला रहे हैं, उसके अंदर सारे चीजों को क्या हो, कि सुपरविजन हो, उसको देखा जाए, फिर उसको समझा जाए, फिर हमारे विलेज लेवल पे उसको एग्जीक्यूट किया जाए। और जिला परिषद हमारा उस समय कैसा काम करे, एग्जीक्यूटिव बॉडी के थ्रू दोस्तों वर्क करे। ऑफिशियली जो पार्टिसिपेशन है पॉलिटिकल पार्टीज का, हर लेवल पे होना चाहिए पंचायती राज सिस्टम का। ये उन्होंने, उनका रिकमेंडेशन था। और एक और लास्ट रिकमेंडेशन क्या है, कि हमको जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है वो पावर प्रोवाइड करे किसको, विलेज को, कि अपने टैक्स वाले जितने लेवी या टैक्सेस है, वो अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेस का अपने से खुद से वो अच्छे तरीके से यूज कर सके। लेकिन दोस्तों इन सारे रिकमेंडेशन देने के बाद भी क्या हुआ, कि उन समय क्या जनता गवर्नमेंट क्या हो गई, उनकी पार्टी चली गई, इसलिए इस पर कोई एक्शन नहीं ले पाया गया। फिर उसके बाद हमने क्या देखा था दोस्तों, जीवीके राव कमेटी। अब जीवीके राव का जो कमेटी है दोस्तों, वो क्या है, अब जीवीके राव जो हमारे कमेटी है,
वो हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट है किसके लिए, रूरल डेवलपमेंट करने के लिए, पावर्टी एलिवेशन प्रोग्राम करने के लिए, इसके बारे में वो स्टडी करती है कि एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट दोस्तों, कि कोई प्रकार का सरकारी जो व्यक्ति होते हैं वो चुने जाते हैं, क्या वो सही काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उसके बारे में उनको पढ़ने के लिए जीवीके रॉय कमेटी हमारा बनाया गया। और उसमें बताया, कहें कि आप पावर्टी एलिवेशन प्रोग्राम कुछ बताइए, तो उस समय जीवीके रॉय क्या थे, इसके चेयरमैन थे उस समय प्लानिंग कमीशन 1985 के, उन्होंने कंक्लूजन क्या दिया अपना कि ब्यूरोक्रेटाइजेशन ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव अगेंस्ट पीआरआई एंड मेक इट वी कैन, मतलब बता रहे हैं कि जो भी हमारे ब्यूरोक्रेट हैं, जो भी हमारे गवर्नमेंट बॉडी हैं, वो हमको कहीं ना कहीं हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को क्या करने, डेवलप करने में कहीं ना कहीं एक खडल नजर आ रहा है। ब्यूरोक्रेटाइजेशन मतलब गवर्नमेंट ऑफिशियल कहीं ना कहीं हमको नजर आ रहे हैं कि वो अच्छे लेवल पे वर्क नहीं कर पा रहे हैं, इसके वजह से जो हमारा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है वो क्या होते जा रहा है, वीकेंड होते जा रहा है। इसलिए उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दिया था दोस्तों। अब उनका रिकमेंडेशन देखते हैं क्या, वो बता रहे हैं कि जिला परिषद लेवल पे यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडी पे हमको कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन लाना चाहिए। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन दोस्तों हमारे अशोक मेहता कमेटी भी लाए थे, यहाँ पे आपको देखे होंगे कि हमारा ये डिसेंट्रलाइज का बात किए थे दोस्तों। वैसे ही वो भी कह रहे हैं कि हमको कहीं ना कहीं जिला परिषद लेवल पे हमको डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन लाना होगा। और वो बताते हैं कि जो हमारा पी आर आई है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लो लेवल पे क्या हो, असाइंड हो, और उसके साथ साथ जो भी हमारे स्टेट लेवल के जो भी हमारे फंक्शन है, जो भी हम स्टेट लेवल पे परफॉर्म करते हैं फंक्शन, उसको ट्रांसफर करके हमको किसको दे देना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कर देना चाहिए, क्योंकि उसके वजह से जो भी हमारा रिकमेंडेशन होगा, जो भी हमारा चेंजेस आएगा वो हमारा काफी इफेक्टिव होगा, उसी की वजह से हमारा क्या होगा, ऑल डेवलपमेंट होगा। और वो बताते हैं कैसे कि जो हमारा पोस्ट है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर का, जो हमारा पोस्ट है वो उसको एक बना वो पोस्ट उसको क्रिएट किया जाए, जिससे क्या होगा कि जो कि इंचार्ज रहेगा जितने भी डेवलपमेंट हमारे गांव के एरिया में हो रहे हैं उसका क्या होगा, ये इंचार्ज होगा और पता करेगा कि क्या क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं, क्या क्या डेवलपमेंट नहीं हो रहे हैं दोस्तों। और उसके साथ साथ उन्होंने रिकमेंडेशन दिया था क्या कि जो हमारा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के जो भी इलेक्शन हो रहे हैं उसको हमको रेगुलरली क्या करना है, करते रहना है, इससे क्या होगा कहीं ना कहीं हमारा जो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन दोस्तों और डेवलप होगा। फिर उसके बाद हमने बात किया था एलएम सिंघवी कमेटी का दोस्तों। एलएम सिंघवी कमेटी किससे रिलेटेड था दोस्तों, पंचायती राज से, ये भी हमारा रिलेटेड था। इसका मेन मोटो क्या था, रिवाइटलाइजेशन करें कि हमको दोबारा से स्ट्रेंथन करना है किसको, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को दोस्तों। और ये जो एलएम सिंघवी कमेटी है वो हमारा 1986 में राजीव गांधी का जो सरकार था उसमें हमारा ये फॉर्म हुआ था, एलएम सिंघवी जी इसके चेयरमैन थे। इनका रिकमेंडेशन क्या था दोस्तों कि हमको पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को दोबारा देखें, उसको प्रोटेक्ट करना और प्रिजर्व करना, रिओर्गनाइज प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व करने का काफी हद तक जरूरी है, और वहां पे हमको फ्री एंड फेयर इलेक्शन करने का भी जरूरी है, क्योंकि ये नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगा। और उन्होंने बात किया एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट का, ग्राम न्यायालय, यानी उन्होंने कहीं ना कहीं एक जुडिशियल ट्रिब्यूनल बात चाहते हैं कि हमको विलेज लेवल पे जुडिशियल ट्रिब्यूनल होना चाहिए, न्याय पंचायत होना चाहिए, जिससे क्या होगा सोशल जस्टिस का कहीं ना कहीं इवॉल्वमेंट होगा, हर गांव में गांव के लेवल पे सोशल जस्टिस लोगों को मिल पाएगा, और उसके साथ साथ जो हमारे फाइनेंशियल रिसोर्सेस हैं उसको डायरेक्ट पब्लिक के थ्रू हम क्या करें, यूज करें, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, मतलब जो भी विलेज लेवल पे हमारे क्या आ रहे हैं, जितने भी टैक्स आ रहे हैं, जितने भी हमारे जो भी सारे कुछ टैक्स वैक्स है वो क्या है, वो हम कलेक्ट करें और उसको हम क्या करें, इंश्योर करें कि जो भी रिसोर्स मोबिलाइजेशन हो वो ना हो और हमारे ही अंदर हम कहीं ना कहीं अपने ही ऊपर यूज करें उसको दोस्तों। तो ये हमारे क्या थे, एलएम सिंघवी कमेटी थे दोस्तों। लेकिन हमको पता है कि ये बिल हमारा कहाँ से, राज्यसभा से हमारा ये बिल पास नहीं हो पाया था दोस्तों, इसलिए ये हमारा पास नहीं हो पाया। फिर उसके बाद आता है पीवी नरसिम्हा का कमेटी, जो कि लाता है ये चेंज लाता है दोस्तों। 1991 में पीवी नरसिम्हा राव पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशनलाइज करते हैं,
और अपने 73वां संशोधन एक्ट 1992 में अपने इसको पीआरआई को कॉन्स्टिट्यूशन में लाते हैं पार्ट 9 में दोस्तों, और इसके लिए एक नया लिस्ट भी बनवाते हैं, लिस्ट नंबर 11 शेड्यूल, जो कि 29 फंक्शनल आइटम बताता है कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को परफॉर्म करना होगा दोस्तों। वो बताता है कैसे सेचुरेटरी प्रोविजन है हमको इम्पावरमेंट पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को करने के लिए, डिफरेंट डिफरेंट उन्होंने एस्पेक्ट बताए थे दोस्तों। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट देख सकते हैं, पहला क्या है कि हमको ग्राम सभा का ऑर्गेनाइजेशन करना होगा, और तीन टायर स्ट्रक्चर तो हमारा ठीक है, तीन टायर स्ट्रक्चर आपको पता होगा, जिला परिषद लेवल पे, तालुक एक ब्लॉक लेवल पे हो गया, और एक हमारा विलेज पंच जो हमारे ग्राम पंचायत लेवल पे। फिर उसके बाद डायरेक्ट इलेक्शन होना चाहिए हर एक बॉडी का दोस्तों, हर एक बॉडी का जब इलेक्शन होगा तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी, हमारा जो डेमोक्रेसी होगा वो हमारा हेम्पर्ड नहीं होगा दोस्तों। 1 मिनट, तो दोस्तों हमारा जो डायरेक्ट इलेक्शन होगा हर एक लेवल पे, तो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स का जो इन्वॉल्वमेंट है वो भी हमको नहीं देखेंगे, और जो मिनिमम एज होना चाहिए इलेक्शन का वो 21 ईयर्स होना चाहिए दोस्तों। और हमको चेयरमैन चाहिए, हर चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे जो जिसका इलेक्शन हो इनडायरेक्ट वे में इलेक्शन होना चाहिए। और हमको जो एससी हो गए, एसटी हो गए, या वो मार्जिनलाइज सेक्शन पीपल हो गए, और वुमेन को हमको क्या देना होगा, रिजर्वेशन देगा अप टू हमको 1/3 ऑफ सीट। और दोस्तों उनका एक और रिकमेंडेशन क्या था कि स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो कंडक्ट करे, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का जो भी इलेक्शन है उसको वो कंडक्ट करे, और उसका टेन्योर जो हो 5 साल का हो, और 6 महीने के अंदर अंदर 5 साल के बाद हमारा इलेक्शन हो जाना चाहिए दोस्तों। और जो हमारे स्टेट फाइनेंस कमीशन है वो सेटअप करे हर एक स्टेट में, हर एक विलेज लेवल पे जाके हमको क्या करे, ये अपना एक कमीशन बनाए जो कि रूरल डेवलपमेंट को फाइनेंशियल हमारा क्या करे, हेल्प करे दोस्तों। तो ये कई सारे रिकमेंडेशन उन्होंने दिया, और कुछ गाइडलाइंस ऐसे भी दिए उसमें है हमारे 73 में कि जो कि लिखा है लेकिन अभी तक फॉलो नहीं हो पाया है, जैसे कि हमको सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेटर को ये क्या करना है, रिप्रेजेंटेशन देना है किसको, मेंबर ऑफ जो हमारे सेंट्रल लेजिस्लेशन है और स्टेट लेजिस्लेशन है उनको गाँव के लेवल पर भी हमको क्या करना है, रिप्रेजेंटेशन, लेकिन अभी वो हो नहीं पाया है। हमको रिजर्वेशन बैकवर्ड क्लास के लिए प्रोवाइड करें, ये तो मान लीजिए है हो गए कुछ, अभी कुछ हद तक भी नहीं हुए हमको कहीं ना कहीं नजर आए। और हमको पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को फाइनेंशियल पावर देना है कि जो भी वो टैक्स लेवी या फीस है उसको उस अच्छे लेवल पे यूज कर पाए, जिससे हमारा पंचायत क्या हो, ऑटोमेशन बॉडी बन सके। ऑटोमेशन बॉडी यानी क्या, अपना डेवलपमेंट खुद के लेवल पे अच्छे तरीके से कर सके दोस्तों। लेकिन फिर हम बात करते हैं अब क्या इशू है हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में, क्या क्या इशू दोस्तों आता है। अब जब पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का हम इशू बात करें दोस्तों, तो पहला जो इशू हमको नजर आता है वो क्या है कि जो भी हमारे फाइनेंशियल डिपेंडेंसी है वो हमारा स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट के फंड पे ही हमारा क्या होता है, डिपेंडेंस होता है दोस्तों, कि हमारा जो भी हमारा डेवलपमेंट होता है वो किस लेवल पे होता है, स्टेट गवर्नमेंट फंड करेगी तभी जाके हमारा क्या हो पाएगा, डेवलपमेंट। तो हमको कहीं ना कहीं एक फंक्शनल ऑटोमेनी ऑटो जो हमारे पास फंक्शनल ऑटोनोमी नहीं है, हम अपने तरीके से, हमारे पास क्या नहीं है, फंक्शनल ऑटो नॉमी हमारे पास नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि हम डिपेंडेंस किसके ऊपर है, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर है। तो कैसे हम अपने आप को डिपेंडेंट कर सकते हैं, हम क्या इंडिपेंडेंट कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा जो डिपेंडेंसी है वो स्टेट गवर्नमेंट के फंडिंग पे है दोस्तों। फिर उसके बाद जो हमारा 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 में लिखा है, 29 फंक्शनल उसके रूल्स रेगुलेशन है वो फॉलो नहीं हो पा रहे हैं उतने अच्छे लेवल पे, और जो हमारे लेजिस्लेचर ब्यूरोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रॉब्लम ये हमको अभी भी नजर क्या आ रहे हैं कि ब्यूरोक्रेट या पॉलिटिकल पार्टीज या पॉलिटिकल प्रॉब्लम हमको अभी भी पंचायत लेवल पे हमको नजर आते हैं।
और उसके बाद क्या है, लिमिटेड एफर्ट टू मेड फॉर पंचायती रिप्रेजेंटेशन, कि हमारे जो पंचायती राज इंस्टीट्यूट के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन है, लेकिन उनके ऊपर कहीं ना कहीं स्कीम या प्रोग्राम नहीं अच्छे से इम्प्लीमेंट हो पा रहा है, उनका ट्रेनिंग अच्छे से नहीं हो पा रहा है, उनका ट्रेनिंग अच्छे से हमारा नहीं हो पा रहा है, जिसके वजह से वो अच्छे से क्या हो रहे हैं, फंक्शनल में नहीं आ पा रहे हैं। उसके साथ साथ दोस्तों कि जो हमारे लेजिस्लेट जो भी हमारे रूल्स रेगुलेशन है, उतने अच्छे से क्या हो पा रहे हैं, डेवलप नहीं हो पा रहे हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के। दोस्तों अब हमको कैसे स्ट्रेंथन करना होगा इस पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को दोस्तों, तो हमको लोकल इंटरेस्ट जाके जगाना होगा, कि हमको लोकल सॉरी दोस्तों हमको क्या करना होगा दोस्तों, लोकल हमको जाके कहीं ना कहीं हमको लोकल इंस्टीट्यूशनल हमको क्या करना होगा, सेटअप करना होगा, जिसके वजह से क्या होगा कि जो भी हमारा पावर होगा वो किसके ऊपर होगा, जाके हमारे पावर मिलेगा, हमारे स्टेट गवर्नमेंट को जाके पावर मिलेगा। तो दोस्तों हमको क्या करना होगा, पीपल का पार्टिसिपेशन को क्या करना होगा, स्ट्रेंदन करना होगा, जिसके वजह से कहीं ना कहीं हमारा ग्राम सभा जब स्ट्रेंदन होगा तो क्या करेंगे, कई सारे अपॉर्चुनिटी मिलेंगे हमारे एडल्ट विलेज को भी, क्या मिलेंगे हमारे जो एडल्ट विलेज हैं उन्हें भी क्या अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कि कैसे वो पार्टिसिपेट करें और अपने गाँव को कैसे एक लीडर प्रोवाइड करें। दोस्तों जब वो लीडर हमारा इलेक्टेड होगा तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग ग्राम सभा का हमारा क्या होगा, फॉर्मेशन होगा, और उसके वजह से क्या होगा, हमारा जो एक्विजिशन है दोस्तों, हमारा जो एक्विजिशन ऑफ कैपेसिटी इन द मेनी टू रेगुलेट अथॉरिटी, ये कहीं ना कहीं हमको नजर आएंगे, कि जो भी हमारा जो भी अथॉरिटी है उसको रेगुलेट कैसे करें, उसको और स्ट्रेंथन कैसे करें, कहीं ना कहीं हमारा ये इम्प्रूवमेंट नजर आएगा दोस्तों। और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं हम हमारा जो ग्राम पंचायत है उसको हम क्या बनाएं, अकाउंटेबल बनाएं दोस्तों, जवाबदेही बनाए, तो इसके वजह से क्या होगा, हमारा पीपल का पार्टिसिपेशन पंचायत राज इंस्टीट्यूशन में हमको देखने को मिलेगा दोस्तों। उसके साथ साथ क्या है, डेवलपिंग अ स्ट्रॉन्ग लीडर ऑफ वुमेन एंड दलित। जब देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, रिजर्वेशन का पॉलिसी लाएंगे, उसमें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे वुमेन को, दलित को प्रोवाइड करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारा जो डेवलपमेंट है, पीपल का पार्टिसिपेशन होगा, एक्टिवली इंगेज होने के वजह से दोस्तों पीपल के अंदर भी अवेयरनेस भी फैलेगा, उसके वजह से स्किल डेवलपमेंट होगा, हमारी जो वुमेन है वो भी और क्या होंगी, अपने ऊपर सेल्फ डिपेंडेंट होंगी, और उसके वजह से कहीं ना कहीं दोस्तों हमारा जो इंफॉर्मेशन रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी पंचायत लीडर का डेवलपमेंट वुमेन पंचायत में लाने के वजह से जो भी हमारा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है वो इफेक्टिवली क्या होगा, ग्रो अप होगा दोस्तों। और कई सारे जो एनजीओज हैं, SC ST के जो लोग हैं, वो भी हमारे क्या एनजीओज को हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि उसको स्ट्रेंथन करने के लिए। फिर उसके बाद क्या है दोस्तों, इनेबल द पंचायत टू हैव कंट्रोल ओवर दियर ओन रिसोर्सेस। यस दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, कि ग्राम पंचायत जो है अपने वर्क को इफेक्टिवली परफॉर्म करने के लिए, विलेज के पीपल को पार्टिसिपेट करने के लिए, ग्राम सभा को पार्टिसिपेशन करने के लिए, हमारा जो रिसोर्सेस है, हम जो रिसोर्सेज जो भी टैक्स है या कलेक्ट कर रहे हैं, लेवी है उसको कलेक्ट कर रहे हैं, और जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से हमारा जो फंड आ रहा है, वो अपने रिसोर्सेज को हम अपने हाथ में कंट्रोल करें, अपने फिजिकल को, अपने फिजिकल और नेचुरल रिसोर्सेज को हम खुद अपने अपने पंच अपने गांव में इसको रिवेन्यू जनरेट करने का तरीका खोजें। इसलिए कहीं ना कहीं हमको रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन दोस्तों, रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन करने का कहीं ना कहीं हमारा मोटो होना चाहिए, तभी जाके हमारा ये क्या हो पाएगा, डेवलपमेंट हो पाएगा दोस्तों। फिर उसके बाद क्या है, इस्टेब्लिशिंग द लिंकेज बिटवीन कम्युनिटी ग्रुप एंड पेपर, जो हमारा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है दोस्तों। हम जैसा कि जानते हैं दोस्तों कि जो सेचुरेटरी बॉडी हमारे ग्राम पंचायत ग्राम सभा है, इसमें कई सारे नंबर ऑफ कम्युनिटी ग्रुप है, हर ऑलमोस्ट सभी विलेज में हमारे कहीं ना कहीं कम्युनिटी ग्रुप होगा, लेकिन इनको इफेक्टिव वे में कोलैबोरेट करने
के लिए, इफेक्टिव वे में इंप्लीमेंट करने के लिए हमको कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन और जो हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है और ग्राम सभा है उनको क्या करना होगा, हमको उनको क्या करना होगा, अवेयर करना होगा, एक्टिव करना होगा और स्ट्रॉन्ग करना होगा दोस्तों, जिससे क्या होगा, पीपल का पार्टिसिपेशन हमारा क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा दोस्तों। अब उसके बाद बात करते हैं दोस्तों कि फाइनेंशियल पोजीशन क्या है हमारे जो हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है दोस्तों। पहला क्या है, रिसोर्स मोबिलाइजेशन काफी लिमिटेड है दोस्तों, क्योंकि इतने हमारे हायरार्की हैं, इतने स्टेट लेवल है, फिर तीन अलग लेवल है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो रिसोर्स का मोबिलाइजेशन है वो लिमिटेड रह पा रहा है। और जो भी स्टेट हमारा फंड कर रही है केवल 30 से 40% जो कि लोकल बॉडीज तक हमारे पहुंच पा रहे हैं दोस्तों। और उसके साथ साथ जो स्टेट गवर्नमेंट फंड है, स्टेट बजट है, वो उतना ज्यादा नहीं है जो कि हमारे गांव को विकसित कर पाए। और कई सारे डिपार्टमेंटल पोजीशन है जो कि अच्छे नहीं है, जो कि विलेज लेवल पे अच्छे काम नहीं कर रहे हैं दोस्तों। तो ये हमको कई सारे जो एस्पेक्ट नजर आते हैं कि ये सारे जो एस्पेक्ट है कहीं ना कहीं हमारा फाइनेंशियल पोजीशन में डिवोल्यूशन लाने का काम कर रहे हैं दोस्तों। अब हमको अब कहेंगे सर कि क्या जरूरत है फाइनेंशियल, हमको फाइनेंस कमीशन जो हमको नए यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे क्या बनाए फाइनेंस कमीशन, हमको क्या रूरल फाइनेंस आखिर में क्यों जरूरत है। देखिए हमको कंसर्न रहता है कि जो भी हमारे रिसोर्सेज है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को वो अधिकतर इफेक्टिवली यूज नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए हमको कहीं ना कहीं कमीशन बनाना होगा, एक कमेटी बनाना होगा, जिसके वजह से हमारा एडुकेट फाइनेंस लेवल जो है कमीशन वो अच्छे तरीके से काम कर पाए और उसके पास फ्रीडम हो और वो रिसोर्सेस को कैसे अच्छे तरीके से यूज कर पाए। और उसके साथ साथ दोस्तों ये हमको कहीं ना कहीं अपने फाइनेंशियल पोजीशन को जो हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के फाइनेंशियल पोजीशन है दोस्तों उसको और इम्प्रूव करने की जरूरत है, इसलिए हम क्या बनाते हैं रूरल फाइनेंस कमीशन। कई सारे रूरल फाइनेंस हमारे हैं, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप दोस्तों फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल में कौन है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नाबार्ड, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट है दोस्तों, रीजनल रूरल बैंक है, हमारे लैंड डेवलपमेंट बैंक है जो, और हमारे प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव बैंक है दोस्तों, LIC है, पोस्ट ऑफिस बैंक है, सेविंग CCB है दोस्तों, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है। RBI के अंदर दोस्तों हमारा एग्रीकल्चर के लिए नाबार्ड है और हमारे इंडस्ट्रियल के लिए IDBI जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है दोस्तों। और अगर नॉन इनफॉर्मल का बात करें, अरे जो हमारे इनफॉर्मल है जैसे क्या है, रिलेटिव या फ्रेंड से आप पैसे ले लिए, मनी लेंडर से पैसे ले लिए, या कोई ट्रेड वाला है या ट्रेड या कमीशन या कॉमर्स एजेंट है उससे आपका कर लिए पैसे, उससे उधार ले लिए, उसको बाद में दे दिए। तो ये कई सारे जो हमारे क्या है, जो हमारे इसके कई सारे क्या है फाइनेंशियल कमीशन है, जो फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके थ्रू हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को फाइनेंस लेवल पे उसको मैनेज करते हैं दोस्तों। फिर उसके बाद क्या है नाबार्ड के बारे में दोस्तों, नाबार्ड आपको बताएं कि RBI के द्वारा इंप्लीमेंट किया गया है किसको, एग्रीकल्चर सेक्टर को, उसको इम्पावरमेंट करने के लिए दोस्तों। ये हमारा क्या है रूरल इकोनॉमी को कहीं ना कहीं ये बूस्ट करता है। पहले ये कमेटी फॉर्म हुआ था दोस्तों नाबार्ड के लिए 30 मार्च 1979 को, किसके अंडर में, चेयरमैन में श्री बी शिव राम के थ्रू, जो कि प्लानिंग कमीशन के हमारे मेंबर थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्लानिंग कमीशन के मेंबर थे। उन्होंने 30 मार्च तक जो हमारा स्टडी कमेटी फॉर्म किया और 28 नवंबर 1979 में रिपोर्ट अपना सबमिट किया और नाबार्ड को अप्रूव कराया पार्लियामेंट में 1981 में, और डेडिकेट किया कि हम कैसे सर जो जो उस समय हमारी प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी थी, 5 नवंबर 1982 को नाबार्ड का स्थापना हुआ। और विजन क्या था दोस्तों कि डेवलपमेंट ऑफ बैंक ऑफ नेशन फॉर फॉस्टरिंग रूरल प्रॉस्पेरिटी, हमको क्या करना है कि रूरल गांव के लेवल पे हमको प्रॉस्परस करना है और फास्टरिंग डेवलपमेंट करना है, जिसके वजह से हमारा जो बैंक है डेवलपमेंट, जो रूरल एरिया का बैंक है वो कहीं ना कहीं अधिक वो क्या हो डेवलप हो, और हमको सस्टेनेबल और इक्विटेबल एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए वेदर इट इज फाइनेंशियल सोर्सेज हमको, बल्कि टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशनल या नॉन फाइनेंशियल सब चीजों का हम क्या करेंगे उसको अप्लाई करेंगे, उसको हम प्रोवाइड करेंगे दोस्तों, इसीलिए हमारा नाबार्ड का स्थापना हुआ था। फिर उसके बाद बात करें हम RRB यानी क्या, रीजनल रूरल बैंक दोस्तों। अब जब हमारे देखिए
1970 के बीच में हमको कई सारी चीज का क्या था, स्ट्रेंडन करना था। पहला क्या था, रूरल क्रेडिट, रूरल इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए, ट्रेड और कॉमर्स को हमको क्या करने, ग्रो करने के लिए, मार्जिनल स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर को ग्रो करने के लिए, स्मॉल इंटरप्रिनोर को ग्रो करने के लिए, सॉरी, हमको एक बैंक चाहिए था कि जो अच्छे लेवल पे वर्क करे और इन सारी चीजों को क्या करे, स्ट्रेंथन करे। उसके वजह से हमारा जो रीजनल रूरल बैंक है वो डेवलप हुआ दोस्तों। ये वर्किंग ग्रुप उसमें श्री एम नरसिम्हा द्वारा, द्वारा नए टाइप का इंस्टीट्यूशन बनाया गया था दोस्तों, कि जो रूरल सेक्टर को इम्प्रूव करे, कॉमर्स सेक्टर, कॉमर्शियल और कोऑपरेटिव नेचर का हो, जो कहीं ना कहीं हमारा इससे रूरल सेक्टर और डेवलप हुआ है। भले ये हमारा एग्रीकल्चर, एलीट सेक्टर, रिटेल ट्रेड या स्मॉल इंडस्ट्रियल सेक्टर है, हर एक सेक्टर में क्या करे, इसको क्या करे, हमारा इम्प्रूवमेंट करे दोस्तों। तो ये हमारे क्या कुछ रूरल एम्प्लॉयमेंट जो कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बारे में, जो कि हमारा यूनिट नंबर 5 था दोस्तों। और ये कंप्लीट डिस्कशन हमने किया यूनिट नंबर 5 का दोस्तों, जो कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड रूरल एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में था दोस्तों। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद।